नमस्कार, आज बात करते हैं अमर जवान ज्योति की। अमर जवान ज्योति पिछले 50 सालों से इंडिया गेट पे जल रही थी। ये एक सिंबल था उन शहीदों के लिए जो लौट के अपने घर नहीं आए। हालांकि इंडिया गेट 1931 में बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था और उसमें जो सेकंड वर्ल्ड वार में जिन्होंने भाग लिया था उनके नाम थे, पर 1972 में वहाँ पे अमर जवान ज्योति की स्थापना करेगी ताकि जो 1971 के युद्ध के शहीद हैं उनकी याद में वहाँ पे एक मशाल जलाई जाए, क्योंकि शायद इतने लोगों का नाम लिखना तब संभव नहीं था। 50 साल से एक हेरिटेज का मॉन्यूमेंट जो एक सिंबल था, हर रिपब्लिक डे पे देखा जाता था और लोगों को वहाँ से एक भावना उपजती थी अमर जवान ज्योति को देख के कि ये उन लोगों की याद है जो घर नहीं आए, उसको इस तरह बुझा दिया गया। अब तर्क दिया जा रहा है कि हमने दो जो ज्योति हैं उनको मर्ज कर दिया। बेसिक लॉजिक है, कभी भी दो फ्लेम मर्ज होते नहीं सुनेंगे। पानी मर्ज हो जाते हैं क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाती है, फ्लेम कभी मर्ज नहीं होता। इस तरह से अगर हम ज्योत को जो जलाई जाती है रिस्पेक्ट से अगर मर्ज करें तो हमारे देश में हर शहर में कस्बे में हजारों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं जहां ये ज्योत जलती है, तो क्यों ना उनको मर्ज कर दिया जाए। पर ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल इनकरेक्ट होगा। अब शहीद तो बोलते नहीं हैं, आप उनकी मशाल को जहां मर्जी ले जाइए। और क्योंकि क्रिटिसिज्म ना हो तो इसको भी एक देशभक्ति का जामा पहना दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहाँ प्रतिमा लगाने का ऐलान कर दिया गया ताकि एक तरह से ये लगे कि ये हम देशभक्ति ही की तरफ ही जा रहे हैं। वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, वो उसकी वैल्यू आप कभी भी आँक ही नहीं सकते। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी एक कपड़े का टुकड़ा है, पर उसकी वैल्यू है, लोग उसके लिए जाने गवा देते हैं। इसी तरह लाल किला है जहाँ से प्रधानमंत्री झंडा फैलाते हैं, एक सिंबल है पावर का। तो क्या कल को हम कि ये हमारे टाइम में नहीं बना था लाल किला को गिरा देने। अब वहाँ पे हमने ये ज्योति जगाई है, एक लॉजिक कोई नज़र नहीं आया। अगर कॉस्ट है तो क्या हम दो ज्योति अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये बात थी कि वो पुराने ज़माने की अंग्रेज़ों की टाइम की वहाँ मॉन्यूमेंट था जहाँ ये ज्योति लगाई हुई थी, वो भी गलत है। देखिए, आर्मी जो किसी नेता के लिए नहीं लड़ती, आर्मी अपने देश के लिए लड़ती है और देश में जैसी सरकार होती है उसके कहने पर लड़ती है। उस टाइम अंग्रेज़ों की सरकार थी तो भारतीय अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे क्योंकि वो उनकी फौज का हिस्सा थे। उसके बाद जैसी भी सरकारें आई, जो भी है, हम अपने देश के लिए फौज लड़ती है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। जनरल बख्शी का ये कहना कि जो 1947 से पहले लड़े थे वो मर्सनरी थे, ये बहुत ही इंसल्टिंग बात है उन शहीदों के लिए जो वापस लौट के नहीं आए, वो हमारे लोग थे। अंग्रेज़ों ने तो उनकी मार्क ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पे एक मेमोरियल बना के उनके नाम लिखे और हम आज ये मर्सनरी कह रहे हैं। अगर वो मर्सनरी थे तो IPKF में श्रीलंका जाने वाले भी मर्सनरी थे, UN फोर्सेज में जाने वाले भी मर्सनरी हैं। फौजी को इस तरह से इंसल्ट करना एक फौजी के द्वारा बहुत दुखदाई है। वो देश के लिए लड़े, उस टाइम देश में जो भी शासक था उनकी पॉलिसियों के लिए लड़े और उनकी सब हम इज्जत करते हैं और ये करनी चाहिए। जब मॉन्यूमेंट एक पब्लिक प्लेस पे होता है तो आते जाते लोगों के पे एक जिज्ञासा जागती है कि ये क्या चीज़ है। यंगस्टर भी उसे देखते हैं, लोग उसे घूमने फिरने वाले भी देखते थे। अब इसे वॉर मेमोरियल के अंदर शिफ्ट किया है तो जो वॉर मेमोरियल नहीं जाएगा, ज़्यादातर सिविलियन नहीं जाते हैं, फौजी लोग ही जाते हैं जिन्होंने अपनी यूनिट के किसी का शहीद का नाम देखना होता है या उनके परिवार जाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं। तो ये ज्योति अब किसी को नज़र नहीं आएगी और कोई जिज्ञासा नहीं पैदा करेगी, और जो इसकी रिस्पेक्ट वहाँ थी ये बिल्कुल गलत बात है कि वहाँ से इसको इस तरह से बुझाया गया। ये एक सिंबल था, एक मॉन्यूमेंट था, एक 50 साल की हेरिटेज थी जिसे इस तरह से बुझाया गया देशभक्ति की आड़ में। अब विडंबना ये है कि नेताजी उन लोगों के खिलाफ लड़े थे जिनके नाम ऊपर लिखे हैं, तो ये वर्ल्ड में शायद पहला ऐसा मेमोरियल होगा जहां पे दो विरोधी सेनाओं के योद्धाओं की एक ही जगह प्रतिमा लगी होगी। नेताजी की सारा मुल्क रिस्पेक्ट करता है तो एक डिफरेंट जगह भी बनाई जा सकती थी नेताजी के बुत के लिए। और अगर कॉस्ट की बात करें तो जैसे हम 12,000 करोड़ में पार्लियामेंट बना रहे हैं तो मशाल की कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, इसे जलते रहना चाहिए था। और अंत में यही निवेदन है कि इस तरह से हिस्ट्री को ना बदलें,
जो फौजी है उसने अपनी जान दी है, चाहे वो वर्ल्ड वार में दी है, चाहे वो 65 की लड़ाई में दी है, चाहे 71 की लड़ाई में दी है, उनको सम्मान जो दिया गया है उसको उल्टा पुल्टा करने की कोशिश ना करें। जो जहां है उसे रहने दिया जाए, उनकी इज्जत करी जाए, क्योंकि सब वो अपने फर्ज से बंधे होने के कारण फ़र्ज के लिए लड़े, सरकारें चाहे कोई भी नहीं थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।